जो ले दवाई अथी बिस्कुटवा खा ले दवाई खाओ। बहुत बुखार है देख रहा कितना, कब से पट्टी कर रही थी। सुपर हॉट हो गई मम्मी आपकी लड़की है अंजलि, एक्सट्रीम हॉट अंजलि भाई। उसको चिढ़ा रहा है, बहुत बुखार है दोस्त का कार बताए। मेरे को भी बुखार है, अंजलि को भी बुखार है, उतना ही तेज। इसको तो आज ज़्यादा ही बुखार है, इतना बुखार है ना कि पूछे मत। परसों से दवाई खा रही है ये भी, वो बंगाली की दवाई से नहीं ठीक हुआ ना, फिर हो गया बुखार। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, पता नहीं कोई वायरस चला है क्या चला है भगवान जाने। मेरी तो पूरी आँख है, मेरा सर सब दर्द कर रहा है। तो अंजलि के लिए फल वल काटे थे, दवाई वही लेकर आए हैं, दवाई खाएगी भाई। दवाई तो सर पता नहीं क्या है, जब से रेस्ट करेगी दवाई दवाई खाएगा। भिंडी बना रही हूँ, नीचे काम हो ही रहा है, दिखाती हूँ। रुक जाइए, उतना तोड़ दिया जाएगा तो भाई पूरा फर्श तोड़ फोड़ हो गया है, देख ही रहे हैं। पहले वाला बोरिंग वहां था। तो देख रहे हैं आज के खाने में कड़ी बड़ी है और रोटी है। कड़ी बड़ी बना है, अभी हम लोग खाएंगे। भुजिया भी बनाई भाई, इतनी सारी तोड़ फोड़ हो गई है, इतना सारा मलबा निकला है, तो इसको फेंकने तो जाना ही पड़ेगा। आज फेंकवाना चाहता पापा सारा सामान। क्या बात है भाई, मम्मी और पापा लगे बड़े एकदम मस्त। और यहाँ पर भाई महंगी मिस्त्री और सस्ती लेबर मिलके काम कर रहे हैं। तो उसके ऊपर तो वो भी लग जाता है पत्थर ही, टूट गया था ना, तोड़ दिया ना निकालते निकालते। भाई लीपा पोती नहीं करना है, उसमें तो मम्मी भी एक्सपर्ट है। और भाई देखो यहाँ पे ना एक टाइल गिर गई है, तो पापा टाइल लगा रहे हैं। तो भाई कुछ उर्जे पुर्जे हैं जो बच गए हैं, तो इसी को पापा साफ ऑफ कर रहे हैं सारा सामान वामान, कि उसको दे देंगे। तो शाम के समय हो गया है और शाम के नाश्ते में है जो भी बचा कुचा सारा खाना वो खाएंगे। देख रहे हैं ललित सूप बना के लेके आया है, अभी मैं चखूंगी, टेस्ट बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मम्मी और मम्मी के दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हैं और मम्मी मुझे बोल रही है कि मुंबई वाली वीडियो लगा दे। तो मुंबई वाली वीडियो में लगा देती हूँ। घर अचेस कर कम करो, ज्यादा ही इतना इतना चाय कम ही है, वो बर्तन वैसा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा है। हमारा सपना था ना वो आज पूरा होने जा रहा है, और यही मैनेजर है हमारी। कैसा लगा तभी हो? अच्छी लग रही है वो गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और भाई आज काफ़ी सारा काम है, तो सबसे पहले अपना काम हम करने शुरू करने चल रहे हैं। कल यहाँ पे ये वाला छेद भरा था, इसमें आइट साइड में मिट्टी लग रही है, इसको भी साफ करना है पूरा पूरा। बहुत काम करा है भाई कल और आज, तो हमारा क्या होगा, नीचे का पूरा सेफ्टिंग होगा। और कितने दिनों बाद हम पानी से धो रहे हैं, एक जगह मैं कह रहा हूँ इसे डाउन कर लो पूरा। हाँ देख रहे हो भाई, बस दिखने में ऊपर थे अच्छा, अंदर तो कुछ नहीं है। तो भाई घर को पूरा धो के साफ हो गया है, अब पानी सूख जाए बस। है बोलो, छान दो पापड़ जा, छान दो बेटा, लेके आओ तनी छान के बेटा, ले तेरा मुंडी में चुप बेटा।
तो यहाँ पे पापा ने शाम का नाश्ता तैयार कर दिया है, रोटी भुजिया और सेवई। तो खाना भी है नाश्ता भी है, तो ये खा करके बस आज का दिन करेंगे हम खत्म। तो भाई अंजलि यहाँ पर मोमोज बनाने के लिए रोटी बना रही है। ये पराठा बनाया अंजलि ने, अभी इसके अंदर मोमोज बनाएगी। ये नीचे ये रख दिया इसने, फिर इसके ऊपर एक प्लेट रखेगी और प्लेट में पराठा डालेगी, वो पराठे के मोमोज बन जाएगी जितना पतला हो सकता है। ठीक है इतना। तो अभी आपको हम मोमोज बनाकर फिर दिखाते हैं। पता नहीं कौन सा मोमो बन रहा है कि ऐसे रोटी बनने के बाद इसके ऊपर पिज्जा की तरह टॉपिंग कर दे रहा है, फिर इसके ऊपर एक और ये वाली रोटी डाल देंगे, फिर इसको कढ़ाई में पकाएंगे। इसका स्टाइल है, ये बना रहा है। बोल रहे से कोई झंझट नहीं होगी, ना मोटा ना पतला किसी चीज का। हमारा एक मोमोज लग गया स्टैंड पे, अभी हमें दूसरा मोमोज उसके ऊपर रखेंगे। ये हमने एक रख दिया, उसके ऊपर ये रख दिया दूसरा। अब इसको ढक देंगे। ढकने के लिए इस्तेमाल किया हमने तीसरा बर्तन, और ये हो गया हमारा पैक्ड। ये हो गए मोमोज तैयार, साथ में चटनी भी तैयार। कैसे मोमोज हैं देखते जाओ, पराठा मोमोज। कैसी बनी होगी बेटा? अच्छी बनी होगी। बताओ मैं कैसी बनी होगी, टेस्ट करके बताओ। ये मोमोज की चटनी है और ये हमारा मोमोज पराठा रेडी। फिलिंग दिखाइयो। ये फिलिंग जो पराठे में से निकल रही है, आओ में खाके देखो, रिव्यू दो। अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है अभी? मन तू आने खाके देख ले। एक ही पीस खा ले, थोड़ी ये छोटा सा खा ले। मेरा मन नहीं, अभी मम्मी पापा ने खिलाया तो। छोटा सा रिव्यू दे दे खाके। तू खा रहा तो अच्छा ही लग रहा होगा। पनीर डाला है? पनीर डाला है, क्या हुआ है पता नहीं, ठीक ही नहीं लग रहा शरीर में, जान ही नहीं है कोई जान। मेरे बेटे सब इतने नालायक है, मेरे बेटे सब इतने बदमाश हैं, पता नहीं कहाँ रखे हैं, बहुओं को लेके भी नहीं आते। घर का काम धाम देखना, संभालना इतना बड़ा घर को। कहाँ हो बहुओं, सुन रही हो तो जल्दी से आ जाना, भागे भागे, तुम्हारी सासू माँ बीमार है। आज मैं आपको एक स्पेशल चीज दिखाता हूँ, हमारी गली में एक बहुत ज्यादा स्पेशल चीज बेचने के लिए आए हैं। आपको दिखाता हूँ भाई, फिर पापा बोल रहे हैं कि ट्राई करेंगे एक दो लेकर आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से देखो, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या है भाई, तो ये है मच्छर मक्खी भगाने का बल्ब। और हमने भी इसमें से कितने का दे रहे हैं, पापा ने दो बल्ब लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पापा एक इंस्टॉल भी कर रहे हैं और यहीं पर ही मम्मी पानी भर रही हैं, और ये सुराही मेरे लेकर आई थी तो इसमें पानी भरना है। पापा ने यहाँ पे नारियल और तरबूजा काटा है खाने के लिए। मैं चलता हूँ नीचे, में देखता हूँ कि पापा कहाँ लगा रहे हैं। कहाँ लगा रहे हो पापा? तो पापा भी दो पीस लेकर आए हैं। पर पीस कितने का पापा? एक पीस 60 रुपये का, दो पीस 100 रुपये का। एक बार दिखाना भाई। तो पूछे नहीं पापा इसकी क्या गारंटी है? 6 महीना मतलब मच्छर मक्खी का तो कंपनी का गारंटी है, लेकिन 1 साल तक चलता है। आधा एक घंटा चलाओ इसको तो बस बंद कर दो।
तो मैं तो इसको देख ही रहा हूँ, ललित भाई भी देख रहे हैं, है ना, क्योंकि तो मुझे तो लल्ले स्कैम लगती सारी चीजें ना लल्ले। चला के देखेंगे भाई, चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। ये 60 रुपीज़ का वन है और लिखा तो है नो साइड इफेक्ट, नो स्मोक, नो ऐश।